चंबा के बचत भवन में 30वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त चंबा हरिकेश मीणा, एसपी चंबा डॉक्टर मोनिका सहित जिला के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान चंबा के विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया, जिन्हें एसपी चंबा द्वारा सड़क सुरक्षा व बच्चों को वाहन न दिए जाने जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों बारे जानकारी दी गई। एक्सीडेंट से बचना इसके लिए तीन इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ट्रिपल ई बोलते हैं उसको। पहला होता है इंजीनियरिंग, सड़क किस तरीके की बनी है, टोपोग्राफी कैसी है उसके हिसाब से। क्योंकि आपको पता है हम हिमाचल चंबा के रहने वाले हैं, यहाँ की सड़कें बहुत ही डेंजरस है। आपको देखेंगे कि नॉर्मली एक्सीडेंट बहुत तरीके के होते हैं। हमारे यहाँ कोलिजन एक्सीडेंट्स नहीं होते, हमारे यहाँ ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, जो खाई में गिरने वाले एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से फेटैलिटी बहुत ज्यादा है। उस पर बचने का, चोट लगने की गुंजाइश कम है। ज्यादा एक्सीडेंट वैसे होते हैं जिसमें लोग मर जाते हैं। ठीक है, तो तीन है, पहला है इंजीनियरिंग, दूसरा है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब है कि जब आप ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं तो उससे पहले जो रूल्स फॉलो करते हैं उनको सारे कानून पता होने चाहिए, जो आरटीओ साहब या आरएनए जो यहाँ पर भी है वो रिस्पेक्टिव करते हैं। और इसी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है स्कूल्स का, क्योंकि जो फ्यूचर ड्राइवर्स हैं वो सारे स्कूल में भी स्टूडेंट्स हैं। एनफोर्समेंट करना, कानून आपको पता है, कानून अगर आपने वायोलेशन करा तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। मैं आपको बता दूं, पिछले एक साल में हमने अराउंड 60,000 चालान करे हैं, और बहुत सारे बाकी सारे को विदाउट हेलमेट के 20,000 से प्लस करे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि 5 ऑफेंसेस में, जैसे अगर आपने अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एनी ड्रग्स और लिकर, दारू पी के अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, ओवर स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, मोबाइल फोन एक हाथ पे पकड़ के गाड़ी चला रहे हैं, ओवरलोडेड गाड़ी चला रहे हैं, गुड्स व्हीकल में पैसेंजर्स पिकअप पे पैसेंजर्स को बैठा के लेके जा रहे हैं, इन 5 वायोलेशन में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। पुलिस आपका ड्राइविंग लाइसेंस ले लेगी और जिस आरएलए में आपको वो लाइसेंस दिया है उनको रिकमेंड कर देगी कि लाइसेंस कैंसिल हो जाए। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं कि हमने 600-700 के अराउंड लाइसेंसेस सस्पेंशन की रिकमेंडेशन दिए हुए हैं और 400 के अराउंड ऑलरेडी सस्पेंड हो चुके हैं विद इन चंबा। वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट चंबा। तो ये कोई वो चीज नहीं है कि मेरा नहीं हो सकता, हर एक का रोज हम कर रहे हैं। इस जागरूकता कार्यक्रम के बारे जानकारी देते हुए और टीओ चंबा ओंकार सिंह ने बताया कि विभाग दुर्घटना के मामलों को रोकने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है और विभाग द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं, जिसका तहत विभाग द्वारा 30वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित कर वाहन चालकों विशेषकर बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि बच्चे आने वाले समय में बड़े होकर वाहनों को चलाने वाले हैं और अगर वह छोटी उम्र में ही इन नियमों व सावधानियों को समझेंगे तो इससे आने वाले समय में दुर्घटनाओं पर रोक लग सकती है। भारत सरकार द्वारा जो सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है, वे राष्ट्रीय स्तर पर 30वां सड़क सुरक्षा सप्ताह है और ये पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में भी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है और इसमें मेन गतिविधियां हमारी जो रहेंगी, हम ये प्रयास करेंगे कि लोगों को जागरूक करेंगे, अधिक से अधिक यातायात नियमों के बारे में लोगों को बताएँ, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो सबका एक ही है, लक्ष्य एक ही है कि हम सड़क पर एक अनुशासन रखें, यातायात नियमों का पालन करें और अमूल्य जिंदगियां बचाने में अपना सहयोग दें, ताकि एक अच्छे समाज की संरचना हो सके और हम अमूल्य जीवन बचा सकें और सारे ही यातायात नियमों का पालन करें। मेरी सभी से ये अपील है कि कृपया किसी एक विभाग का, एक एजेंसी का इसको कर्तव्य ना समझते हुए प्रत्येक नागरिक इसको अपना इंडिविजुअल अपनी ड्यूटी समझे और हमारा सहयोग करे और यातायात नियमों का अक्षरशः पालन करे। चंबा हलचल मीडिया नेटवर्क रिपोर्ट।